कुछ बड़ा बनाने के लिए आपके पास कुछ बड़ा होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। घर चल के ही हम बहुत साथ दिए। दिस इज माई फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप एंड इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वेट किया। लाना तो असल में मेरे को कैमरा था, बट फिर सोचा कि फिलहाल फ़ोन से काम चल जाएगा। एंड दिस इज़ वॉट टूडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं सब फ़ोन पे एडिट होते हैं, लेकिन फ़ोन पे यू आर नॉट दैट फ्लेक्सीबल, मतलब मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ मैं जो भी कुछ बनाऊँ उसको बनाने में मुझे मज़ा आए। अब जहाँ पे काइन मास्टर की लैग हो, बार बार एक एक करके आपको एक एक क्लिप को ढूंढना पड़े, और वो अचानक के क्रैशेस, बकवासी टाइमलाइन, और आप घंटों तक आपको एक वो फ़ोन अपना हाथ में रखना पड़े, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा काइन मास्टर अच्छा नहीं है, आई बीन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 4-5 ईयर्स, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी बढ़ के मोबाइल ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं आजकल के दौर में, लेकिन हमको चाहिए प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फाइनल कट प्रो, डिविन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फ़ोन पे नहीं चलने वाले। स्टार्टिंग में काफ़ी परेशान थे, पहले तो हर जगह कैमरा का पता लगाया, उसके बाद लैपटॉप ढूंढने लगे। मेरे को पता नहीं था कि मैं इनमें से लूँगा क्या, एंड फिर काफ़ी ज़्यादा दिमाग की दही करने के बाद आई डिसाइडेड टू बाय दिस। कुछ दिन पहले मेरे अबू कश्मीर से बाहर गए थे एंड ही बॉट दिस फॉर मी। अभी आई एम सो मच एक्साइटेड बिकॉज अबू बाहर से घर आ रहे हैं एंड उनके साथ मेरा सरप्राइज़ है जो आज आपको मैं दिखाऊंगा। मेरी लाइफ का पहला लैपटॉप है। दिस इज द थिंग जिसके लिए हमने बहुत इंतज़ार किए। इसके साथ हमें समथिंग लाइक चार्जिंग केबल्स, ये चार्जिंग केबल्स वगैरह जो नॉर्मली सब पुट दिस साइड एंड हमारा ऐसे थोड़ी होता है। I've got this keyboard protection wire वाला माउस का, लेकिन बैग बड़ा सही मस्त है, बैग बहुत अच्छा है, बट फिलहाल हम करेंगे बात इसकी। ये माउस भी हमारा है। This is my first gaming laptop. As मेरे को games नहीं खेलनी, I just bought it for editing my videos and projects. Of HP Pavilion 15 EC2150AX. मैं डिटेल में नहीं जा रहा, you will find a lot of videos about it on the internet. हम इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, पहले मैं थोड़ी देर इसको यूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या सीन्स हैं इसके, एंड उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके स्पेक्स, इसका रिव्यू थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सिनेमैटिक, थोड़ा स्टोरी के तरीके से कहानी सुनाऊंगा मैं इसकी। ये मेरे लिए बहुत कुछ है, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के बहुत बहुत कुछ होता है, तो मेहनत करनी है। मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है आज का ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी।